यही रहती हूँ क्या? हाँ जी, ये क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम नंदनी है। ये कौन सा इलाका है? ये प्रेम कॉलोनी है, सियोने बिंड के साथ ही इलाका लगता है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाता है? पटियाला 2 में आता है। हाँ जी। आपके कैंडिडेट कौन कौन है यहाँ? यहाँ पे तो है अकाली, उसके यहाँ कौन आ रहा है अब? अभी तो सौरभ जैन सर आ रहे हैं। क्या, कैसे है ये, कैसे नेता है ये? पहले भी हमें, जब हमें हेल्प की जरूरत थी 2-3 बार पहले भी, बिना इलेक्शन से ही वो हमारे साथ काफी मदद करके गए हैं। तो इसलिए कोई सरकार के नेता आया था यहाँ? कोई नहीं, कोई भी नहीं आज तक। अगर कोई आता भी है तो कोई भी दोबारा मुड़ के, जब इलेक्शन खत्म हो जाते कोई भी नहीं आता। तो वादे करते हैं, किस किस तरह के वादे करते हैं? ये वादे आपको नजर आ ही रहे होंगे, जब भी सड़कों की बात होती है तो कभी भी नहीं आज तक हमारी, ना सड़कें हैं, ना लाइटें हैं, ना तारे, ना बिजली की फैसिलिटी। कैसे सड़कें कैसी हैं देख लीजिए, आप ही देख सकते हो कितना बुरा हाल है यहाँ पे। हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये कर रहे हैं सारा कुछ। अब आप देखिए कि बच्चों के साथ रहना यहाँ पे कितना मुश्किल होगा। कब से रह रहे हो मैडम? ये हम 15 साल हो गया इस इलाके में, ना तो कोई आता है, अगर आता है तो अपनी वोटें मांग के फिर चला जाता है। तो आपने, जो आपका यहाँ पहले कैंडिडेट कौन है जीता हुआ? पहला परमिंद्रा जी। तो उनसे आप मिले थे इसके बारे में? मिले से बहुत बात। आपका क्या नाम है सर? मकानता जी। हाँ जी, कहाँ, कब से रहते हो इस इलाके में? इसमें मेरे को 10 साल हो गए। क्या करते हो आप? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा? नहीं, कल्ला रिक्शा। अच्छा, कैसा आपका खर्चा कैसा चल रहा है? अपना खर्चा भी बस दाल फुलके चलता है हमारा, और क्या। और ये सड़क के लिए आपने कभी मांग की सरकार? बहुत मांग की जी, बहुत ज्यादा। आज तारा लिए मांग की। ये तारों को क्या है? एक मिनट, ये कैसे, खंबे नहीं है इधर लगे? खंबे नहीं है जी, आज तारा देखो, ये तारा नहीं, बल्लियां पे तारा टंगिया हुई है जी। कहाँ पे? आज देखो जी, बल्लियां पे तारा टंगिया हुई है देखो जी। ये यहाँ बिजली के खंबे नहीं है? बिजली के खंबे कोई नहीं है, बिजली का खंबा ही नहीं। आपके मीटर लगा हुआ है? हाँ जी, मीटर लगा हुआ है जी। हाँ, बिजली का बिल आता है लगा हुआ है जी। ये देखो, ये क्या, एक मिनट इधर से आया। आपके ये घर पे फोर से लिखा है, क्या कारण है? लोग बेच के जा रहे हैं यहाँ से घर? के जा रहे हैं जी, ना तो यूरे कोई पानी की साधन है। हाँ जी, कोई उदा साधन है, और लाइट दा इस तरह तारा पा पा के ते बिन्या इस तरह टोए वाली रस्ते वाले खड्डे। हाँ जी, खड्डे बेच बेच के जा रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतोष सिंह जी। अच्छा, यह क्या दिक्कत है यहाँ, क्या क्या? थोड़े सामने ये देखो पानी की हाल है। पीने का पानी आता है आपके? पीने का पानी भी कम आता है। अच्छा, तो है कम आता है। ये सड़कों की हालत ऐसी क्यों है? ये घरों प्लाटों के अंदर पानी घुसा हुआ है, कोई निकासी का प्रबंध नहीं है, सीवरेज नहीं है यहाँ? और ये कॉलोनी कब की बनी हुई है? 22 साल हो गया। और यहाँ से जेतू कैंडिडेट कौन है? ब्रह्मिंद्रा जी। ये क्या मिनिस्टर थे यहाँ? कैबिनेट मंत्री है अभी तो। तो उन्होंने कुछ नहीं किया आपको? अभी तुम्हारे सामने है। नहीं, यहाँ कहते शहर है ये, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कह गए, जो इस्तीफा दे के चले गए। नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं की? डेवलपमेंट हुआ है, देखो पानी आ गया, सारा कुछ हो गया। दिखाओ जी, ये देखो, ये सड़कें कैसे कैसे आते हैं सड़कें, ये हमारी पटियाला शहर की। अच्छा, तो कैसे आना जाना घर तक, कैसे पहुंचते लोग रात को? एक तो लाइटें भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ तो? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो अंधेरे में कैसे आते हैं रात को? जैसे गुजरता है टाइम वैसे गुजारते हैं। और जैसे साइकिल वाले को तो आना मुश्किल है बिना लाइट के। ये देख लो क्या हाल है, पानी में बीच में आते हैं पानी के। ये देखो बिल्कुल सड़कें टूटी हुई है। तो ये सरकार ने डेवलपमेंट करना, सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो वो भाग रही है, भाग के कैप्टन साहब इस्तीफा देंगे। तो आप हमें बिजली की तारे कैसे आ रही है दूसरे प्लाट से? अच्छा, कोई खंबा नहीं, कुछ नहीं है? खंबा नहीं, कोई कुछ नहीं। कब से रहते हो यहाँ? 12 साल हो। को सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्या नाम आपका? हीरा लाल। चुनाव के वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है, मैं भी आपके बीच एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर सौरभ जैन पहुंचा हूं वोट मांगने के लिए। आज जब देश में
विकास की बात करनी चाहिए, नौकरियों की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, स्कूल कॉलेज की बात करनी चाहिए, फ्री इलाज की बात करनी चाहिए। हम लोग कहाँ तक उलझ के रहेंगे? हम उलझ के रहेंगे गलियों तक, नालियों तक, सीवरेज तक और बिजली के तारों तक। बस हमारी तो देखो सोच यहीं तक खत्म रह गई, क्योंकि आगे तो हमारी सोचने की ताकत ही नहीं रही। जब सरकारें आती हैं, जब चुनाव का टाइम आता है, अब फिर निकल चुने ये पार्टी के नुमाइंदे वादे करने के लिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे, घर पक्के करवाएंगे। अरे घर कहाँ पक्के करवाओगे, गलियां तो पक्की होगी। तो मैं आज पहुंचा हूं सौरभ जैन, देखिए सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सारी पार्टियां, इनका मकसद सिर्फ और जैसे मर्जी सरकार बनाना है। इनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, सिर्फ भाई को भाई से लड़ा के धर्म के नाम पे ये लोग विकास के नाम पे वादे करके हमारे विश्वास के वोट मांगते कि नहीं मांगते जी। चलो आज मैं एक सवाल पूछूंगा जी, इस बार आप लोग सच बोलना जी, माता जी जो का झूठ नहीं बोलना, मेरी माता मेरी झूठ नहीं बोलती कभी भी, फिर भी पूछूंगा जरूर जी एक बार। माता जी आपके पास ही आ रहा हूँ जी, आवाज वहां तक शायद कम हो जाएगी जी। आगे 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 माता जी सच्ची बोलो, वोट किसको डालनी थी? अब तक क्या सोचा था वोट किसको डालोगे इस बार? बोल दो। अरे विचार देने में तो कोई दिक्कत नहीं, कहे का डर है, किसी का कर्जा देना है क्या जी? चलो मेनू पाओगे जी, कोई और कोई पार्टी वाला कोई बंदा रोजगार होना चाहिए, नहीं वोट किसी सोचा देने के लिए देखो ये बेचारी रो पड़ी, माँ मेरी बात सुन, ये मेरी माँ कुछ है ही नहीं, बच्चे सारे देखो पार्टी वाले आएंगे, पता क्या कहेंगे, मेरी माँ घबरा ना, मैं लेके आऊंगा नौकरियाँ, मैं लेके आऊंगा रोजगार, कोई नहीं लेके आता। क्या कह माता ने, मुझे नहीं चाहिए 1000 रुपया, 1000 रुपए में एक सिलेंडर नहीं आता भाई, मुश्किल से सिलेंडर आवेगा, दाल कहाँ से आवेगी, आटा कहाँ से आवेगा, जब घर की छत पूरी होगी वो लेंटर कहाँ से आवेगा? भैया ये एक चीज से आवेगा, वो आवेगा रोजगार से, जिसके हाथ में रोजगार है वो कुछ कर सकता है। सरकारें रोजगारों की बात नहीं करती, बात भी करती है तो क्या करती है जी? एक पार्टी अभी मैनिफेस्टो आने वाले हैं चुनाव के वादे आने वाले हैं भाई, लोग क्या बोलेंगे? पहली पार्टी XYZ क्या बोलेगी? एक्स पार्टी 50,000 नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी 50,000। दूसरी पार्टी, हाँ जी प्रधान जी वो फलानी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया 50,000 नौकरी देगा। दूसरा बोलो 70,000 लिख दो। तीसरी पार्टी, सर उसने 50 कर दिया 1,00,000 है, 1,00,000 अबे देनी थोड़ी है, बोलना ही तो है, लिख दे। यही होता रहा आज तक, यही होता रहा, पता क्यों होता रहा जी? इस सिस्टम का बदलने की लोड है, इन पार्टियों की गुंडा कर दी है जी। क्या गुंडा कर दी है? अरे कि हमारे नाम पे वोट पड़ेगी, अकाली दल के नाम पे वोट पड़ेगी, पंजे के नाम पे पड़ेगी, फूल के नाम पे पड़ेगी और चाडू के नाम पे पड़ेगी। एक मौका केजरीवाल को, केजरीवाल आएगा पंजाब में, यहाँ पे केजरीवाल है कभी, यहाँ पे कहाँ गया था एक मौका केजरीवाल? इतना बड़ा करेगा हमदर्द था पंजाब का, तो क्यों नहीं आया पटियाला या पंजाब के किसी भी गांव में कोरोना काल में? आया था क्या केजरीवाल? बोलो जी, नहीं आया। कसमे वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। तो मैं आज आया सौरभ जैन भाई, देखो ना तो मैं सरकार है, ना मेरे खुद पावर है, ठीक है जी, ना मैं कभी 10-15 पार्टियां बदली कि 5 साल कांग्रेस में, 3 साल अकाली दल में, 2 साल उस फलानी पार्टी में। भैया इनका मकसद एक है, वो केजरीवाल झाड़ू जो बोलता था मैं एक ईमानदार सरकार बनाऊंगा पंजाब में, ईमानदार सरकार, मैं अकाली दल का और कांग्रेस का कूड़ा इस झाड़ू पार्टी में नहीं लूंगा, यही बोलता था ना। 53 लोगों को टिकट दिए अकाली दल और कांग्रेस वालों को, 53
क्यों दिए कि जैसे मर्जी गुंडा हो लुटेरा हो जो मर्जी हो बीच बीच पड़ते हुए बीच बीच पड़ते उन लोगों को या जैसे मर्जी सरकार बनेगी। ईमानदारी कहाँ गई? क्या पंजाब में ईमानदार लोग खत्म हो गए? थोड़े बहुत है अभी भी, लेकिन उनको आज्ञा नहीं दिया जाता। मैं आज आया भैया सोलह जेल आजाद उम्मीदवार, मैं भी सोच रहा था किसी पार्टी से लड़ू, भाई मजबूरी है। क्यों? पार्टियों के अंधभक्त बहुत है। लोग क्या कह रहे थे, पहले हमने कांग्रेस देख ली, हमने अकाली देख लिए, अब एक नवी पार्टी देखेंगे। केजरीवाल खुश, वाह बढ़िया काम बन गया। और एक और क्या करा, कहना चाहिए भाई साहब है ना, ये भाई साहब सच्ची बात है, ये तो या तो ये कांग्रेस वाला होगा या अकाली दल वाला होगा या बीजेपी वाला होगा, ये कहना था आम आदमी वाले जरा 25% वोट तो हमारी पक्की है जी, और 25 भी नहीं है 20, बाकी रह गए 20% में कौन है नशेड़ी। पहले उनका कोई ईमान ही नहीं है, कभी उधर ढूंढ गए कभी उधर ढूंढ गए, पहले उनको तो छोड़ ही दो। उनने क्या करा माता जी सुनो, उनने क्या करा, 1000 रुपए दूंगा जब मेरी सरकार बनेगी, 1000 रुपए दूंगा, यही कह रहा था। अब मैं आपसे भी पूछना चाह रहा, आप बताओ जी 1000 रुपए आपको 1000 रुपए अच्छे लग रहे क्या? नहीं, 1000 रुपए से कुछ नहीं होता सर, जिसने 15 साल से इधर आके सड़कों का नहीं कुछ किया, वो 1000 रुपए दे के क्या हमें क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे सकते ना, उन्होंने आके देखना ना आगे देखा किसी ने 1000 रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, 1000 से ये सड़कें तो नहीं सुधर जाएंगी, आसपास माहौल तो नहीं सुधर जाएगा। देखो अभी तक भी सड़क तक ही सीमित है हम लोग, हम अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज की तो बात ही नहीं कर सकते जी, हम शिक्षा चिकित्सा, देखो मेरा भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जी, मैं देखो कोई बंदा भाई लाइफ भी बना होगा कुछ भी, मेरा भी एक हॉस्पिटल है जी वर्धमान भैया, कई लोग बोल रहे हैं आजकल, अगर तू इतना बड़ा समाज सेवक है तुझे राजनीति में क्या जरूरत जाने की, और इतना बड़ा सभी सभी सेवी है समाज सेवी, अस्पताल फ्री कर देना। अरे भाई सरकार तो अस्पताल नहीं फ्री कर सकी सरकारी पैसे से, मैं अपने अस्पताल को मैं फ्री कर दें, 225 लोगों का परिवार है भाई, फिर भी सस्ता है, फिर भी दया रखी हुई है। मैं आज तुम्हारे पास पहुंचा वोट मांगने के लिए, क्यों पहुंचा, किसी वादे के नाम पे नहीं पहुंचा मां, कोई वादा नहीं कर रहा तेरे साथ, कोई वादा कर ही नहीं सकता, मुझे क्या पता मेरे हाथ में रब कितनी ताकत देगा, बस एक वचन देके जा रहा। मैं कल भी प्रजाला के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा और कल भी खड़ा रहेगा, जितनी क्या कह रहे हो, कौन सी मेन सड़क कैसे बनी है? वो जो मेन पहले इस कॉलोनी में आने के लिए सड़क बनी है, उसके लिए हमने खुद ने पैसे डाल डाल के सबने मिट्टी डलवाई है, तब जाके 2000 नहीं 5000 रुपए लिए उसके लिए। कितने लोगों ने कितना पैसा खर्च दिया? सब जितने घर है उधर से सबने 5000 रुपए मिट्टी डलवाई, तब जाके ईंटें लगा कर काम पूरा हो गया।